हेलो, सलाम, नमस्कार। मैं हूँ तौसीफ और आप देख रहे हैं पीली फॉर यू। दोस्तों, आज हमारे पास है मून सुनाटा और ये हमें भेजा है फोनशिम ने। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वायरलेस चार्जर, ब्लूटूथ स्पीकर एंड मोबाइल स्टैंड का। बॉक्स में हमें मिला है वायरलेस चार्जर विथ बिल्ट इन स्पीकर स्टैंड, जो कि मेन यूनिट है, एक यूनिवर्सल QI रिसीवर। अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, जो कि ज़्यादातर मोबाइल नहीं करता, तो आप QI रिसीवर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका मोबाइल भी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम सपोर्ट करने लगेगा। उसके साथ ही एक आईफोन 7 Plus का केस मिला है, जिसमें बिल्ट इन QI रिसीवर है। आईफोन भी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक QI रिसीवर केस जो है वो डिज़ाइन किया है आईफोन के लिए, जिसकी वजह से आईफोन भी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम सपोर्ट करने लगेगा। डिजाइन की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि फील और लुक्स जो है वो काफी अच्छा है। थिन सर्कुलर डिजाइन है, ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, और बैक साइड में जो है मेटल प्लेट यूज किया गया है। मतलब आपको अपने टेबल के ऊपर जगह देने में कोई परेशानी नहीं होगी, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें QI इंडक्टिव वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसकी वजह से आप अपने मोबाइल को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, मतलब केबल की झंझट खत्म। ये सभी QI सर्टिफाइड डिवाइस को सपोर्ट करता है, मतलब जिसमें बिल्ट इन QI रिसीवर होता है, जैसे कि S7, S8। अगर आपका मोबाइल QI सर्टिफाइड नहीं है तो आप QI रिसीवर का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मून सोनाटा की एक्सेसरीज में मिल जाएगा। इसके डिजाइन में मल्टीपल कॉइल्स का यूज किया गया है, इसकी वजह से ये चार्जिंग का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। मतलब आप अपने मोबाइल को जैसे भी रखेंगे ये चार्जिंग सपोर्ट करेगा। सबसे खास, ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जिसके लिए फास्टेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 4.2 का यूज किया गया है। अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, QI सर्टिफाइड नहीं है, तो आप QI रिसीवर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद इसका जो भी कॉइल है उसे आप जो है अपने मोबाइल की बैक कवर में, मतलब आपको कवर यूज करने की जरूरत होगी, कवर में जो है इसे छुपा दीजिए, और इसके बाद आप जो है अपने मोबाइल को भी वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, QI रिसीवर को अपनी चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करना है। अगर ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें तो आप जो है अपने ब्लूटूथ में जाइए और वहां पे आप मून सुनाटा से अपने मोबाइल को पेयर कीजिए और आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स का मजा ले सकते हैं ऐसे। दोस्तों, ये सारी चीजें तो थी डिवाइस के बारे में। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसे खरीद सकते हैं Kickstarter.com से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है $69, लेकिन लिमिटेड यूजर्स के लिए ये जो है अभी $59 में अवेलेबल है। तो हम लोग अगर प्राइस की बात करें तो इंडियन रुपीज में ये अप्रॉक्स होता है 4000 के करीब का। तो मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी साथ में मिलता है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल से कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी आपको। साउंड लेवल भी काफी अच्छा है। कुछ चीजें जो है मुझे इसमें कमी लगी, मुझे जो इसका वीक पॉइंट लगा वो ये है कि जैसे अगर कोई ऐसे स्टैंड इसे यूज करना चाहे तो उसको साथ में केबल भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई USB पोर्ट नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि माइक्रो USB पोर्ट जो है वो देनी चाहिए था, ताकि हम लोग केबल को अलग कर सके। इसमें जो केबल डायरेक्टली अटैच दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो है आप एडजस्ट नहीं कर सकते, एंगल एडजस्ट नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कि ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसका जो है फिक्स्ड एंगल आपको मिलता है देखने को। अगर आपके पास सी टाइप चार्जर है, सी टाइप पोर्ट है, तो मुझे नहीं पता कि इसका जो QI रिसीवर है वो सी टाइप पोर्ट के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी बातें थी मून सोनाटा से रिलेटेड। अगर स्टार की बात करें तो 5 में से 3, 3.5, 3.5 स्टार दिया जा सकता है। तो अगर आपका बजट है, आप खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। देखने में काफी अच्छा लगता है, एक्चुअली देखने में काफी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी जो है वो सब काफी अच्छा है। तो ये था मेरी तरफ से मून सोनाटा का रिव्यू। आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा या फिर ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से
आपका कुछ नहीं होता लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हैं हमारी कुछ और वीडियोस जिसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।